अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हर दुख हर परेशानी से दूर रखे, आमीन सुम आमीन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो इसके साथ बताती चलूँ, चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को करें जी सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, इससे नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, ये आपकी हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, प्यार होता है। ठीक है जी, तो आज का व्लॉग बस मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज ना शाम को बच्चों की है जी पार्टी, बारबेक्यू पार्टी है, तो जिसकी मैंने शॉर्ट्स एक दो लगानी है बच्चों की ना पार्टी की, उनकी फ्रेंड्स के साथ ना पार्टी थी। तो कहते मम्मा हमें चिकन मैरिनेट कर दो, तो मैं चिकन बारबी के लिए ना के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। सिंपल दही के अंदर मैंने सारे घर वाले मसाले डाले हैं, नेशनल का मैंने टिक्का मसाला डाला है, वो आपको मैंने भी दिखाया है, साथ में फूड कलर येलो डाल दिए। ठीक है, ये सब कुछ डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा विनीगर भी। ठीक है जी, ये सब चीज़ें डाल के तो बस मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है। मिक्स करके ना तो बस मैंने चख लिया था कि भाई नमक बीच में चख लूँ कि कम तो नहीं है, क्योंकि ये सुबह मैरिनेट करवा रहे थे इन्होंने, शाम को बारबेक्यू करना था, तो फिर मुझे लगा था थोड़ा सा कम है नमक और मिर्च भी, मैंने थोड़ी सी नमक और मिर्च और ऐड कर दी थी, क्योंकि आपको पता है बारबेक्यू हो तो ये स्पाइसी बहुत ही मज़े का लगता है। मुझे वैसे स्पाइसी बहुत ही पसंद है, तो जी आपको कैसा पसंद है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे चिकन देखे जी, ऐसे पैकिंग वाला बच्चे लेके आए थे, तो बस मैंने इसको ये कह रहे थे कि ये साफ़ होता है, लेकिन ना ब्लड था अंदर, मुझे गंदा लग रहा था, तो है फिर मैंने मेरे का सारा पहले मैं बास्केट में निकाल लूँ, निकाल के तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा सा मैं ड्राई होने के लिए रखूँगी, फिर मैं इसको करूँगी मैरिनेट। तो यहाँ पे चिकन सारा निकालते हैं, साथ में वो लेके आए हुए थे नेबलेट, तो नेबलेट मैंने मैरिनेट कर दिए थे, उनकी मैं वीडियो नहीं आपके साथ शेयर कर सकी, लेकिन वो भी इधर सात बाउल में मैरिनेट हुए हुए पड़े हुए हैं। तो बस ये अब चिकन को मैंने मैरिनेट करना है, तो इसको धो के मैं रखती हूँ, खुश्क होता है ना, तो फिर इसको भी मैरिनेट करती हूँ। और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैंने जाना है जी शॉपिंग करने के लिए अपनी बेटी के लिए, मुझे है कि आज उसके ना मैं तेल मेहंदी के लिए और बारात के लिए ना उसका ड्रेस ले आऊँ, तो बस आज मैं शॉपिंग पे जाऊँगी जल्दी जल्दी से। बस मैंने आज ना खाने में मैंने मसर ही बनाए थे, तो ना फटाफट से ईजी से मैंने कहा कुछ जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि ना फिर बाज़ार जाना, आपको पता है बाज़ार जाना हो तो फिर चीज़ घूम फिर के ली जाती है, नहीं तो नहीं वैसे कहाँ मिलती है। तो है जी यहाँ पे देखिए जी, चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया था, ये बाउल छोटा पड़ गया था, बाद में इसे मैंने पतीली में डाल दिया था। तो जी यहाँ पे देखिए जी, अब पापा लाए हुए थे आज अमरूद, पापा को बड़ा ही इनका ना क्या कहना चाहिए जी कचालू बहुत पसंद है, तो बस फिर अम्मी ने काट दिए थे, अम्मी को मैंने वॉश करके दे दिए थे, अम्मी ने काट के दे दिए थे, कह रहे थे तुम इसे ना बना के तो रख दो, तो बस मैं इनमें ना सिंपल ये अगर ये खट्टियों का मौसम है तो आजकल मैं इसमें ये निचोड़ रही हूँ जो माल्टे है ना, तो मैं इसमें वैसे लेमन डालती हूँ, अमूमन लेमन से भी इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये है कि माल्टे तो आपको पता है थोड़ी देर ही रहते हैं, तो इसलिए फिर ये ज़्यादा देर तो होते नहीं है, इससे ये होता है कि बच्चों को ना बीच में इसका रस मिल जाता है, वो कहते हैं मामा हमें इसकी जो नीचे इसका शोरबा है ना हमें वो भी दो खाने के लिए अमरूदों के साथ, इसी वजह से मैंने माल्टे आपने देखा होगा ज़्यादा सारे अंदर निचोड़े हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। तो हेयर सिंपल इसमें मैंने काला नमक डाला है, चाट मसाला डाला है, और मैंने डाली है अंदर चीनी, इसलिए क्योंकि ना कुछ अमरूद फीके भी होते हैं, तो इससे ये होगा कि सारे अमरूद ना मीठे हो जाएंगे, उनका टेस्ट बहुत यम्मी सा मज़े का हो जाएगा। तो बस उनको मैरिनेट करके रख दिया है, तो आज जी मैं आपके साथ ना रेसिपी शेयर कर रही हूँ पिंक टी की, बहुत ही अमेजिंग कलर आता है और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप बनाएंगे तो ज़रूर आपकी पिंक टी इतनी मज़े की बनेगी ना कि बस सब आपकी वाह वाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई क्या बात है जी, क्या कलर आया और क्या टेस्ट है। और ये देख लीजिए फ्रेश मैंने अभी ग्रीन टी की पत्ती मंगवाई है सब चाय की ना, तो वैसे इसे पिंक टी कहते हैं हम लोग ना, इसको ग्रीन टी ही कहते हैं, इसलिए मेरे मुंह से बार बार ग्रीन टी ही निकलेगा। अच्छा जी इसमें ये देखिए जी मैं डालती हूँ, मैंने 4 टेबलस्पून ली है जी पिंक टी की पत्ती ग्रीन टी की, उसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून लिया नमक, और ये देखिए जी ये टूटा हुआ है, मतलब कि एक पूरा बादियान का आपने फूल लेना है, इससे इसका अंदर टेस्ट भी आता है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है आपकी ना पिंक टी में, ठीक है ना, तो इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे इसमें मैंने 6 से 8 यूज़ किए हैं सब्ज़ चाय की ना कह रही हूँ सब्ज़ इलायची, ठीक है, तो ये देख लें आप, इन सब के मैंने मुँह खोल दिए हुए हैं इसलिए कि ताकि इसका टेस्ट अंदर अच्छी तरह से आ सके। ये देखें किसी भी आप हैवी चीज़ की मदद से ना खोल लें या नाइफ़ की मदद से इनके मुंह खोल लीजिएगा, ठीक है, ये देख लें सारे के मैंने मुंह खोल के रखे हुए हैं। और अब बारी आती है जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की जो मैं इसके अंदर डालती हूँ, जिसकी वजह से इसका कलर बहुत ही अमेजिंग आता है और अच्छा आता है, और वो जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो ये है,
ये है जी मीठा सोडा, इससे बड़ा ही प्यारा आपका कलर आता है। जब भी आपने ये ग्रीन टी बनानी है ना, पिंक टी, तो इसके अंदर आपने ये ज़रूर डालना है। 4 टेबल स्पून के हिसाब से ना मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर ये मीठा सोडा ऐड किया है, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें सिंपल आपने पानी में डाल के ना, तो बस इनको मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको कुक करने के लिए रख देना है कम से कम 20 से 25 मिनट या 25 से 30 मिनट भी, मीडियम से बिल्कुल लो फ्लेम में, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही ज़्यादा कम हो। तो अच्छी तरह से मिक्स करके तो बस इसको मैं आपसे मिलती हूँ आधे घंटे के बाद। अच्छा जी, देखिए मुसलसल इसे आधा घंटा पकते हुए हो गया हुआ है, और देख लिया आप कितना ज़्यादा इसका पानी भी खुश्क हो गया है, और माशाल्लाह से इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैंने कोई 4-5 दफ़ा बस फेंटा लगाया, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया जी नॉर्मल जो टैप वाटर होता है, आजकल वही ठंडा होता है, वैसे इसके अंदर यहाँ पे ठंडा पानी डालना चाहिए, उससे इसका कलर बहुत अमेजिंग आता है। तो लेकिन आजकल तो नलके का भी पानी खोलो तो इतना ठंडा होता है जैसे फ्रिज में रखा हो, तो बस वही पानी हमें चाहिए। और यहाँ पर इसका आप कलर देख सकते हैं, कोई भी मैंने जादू नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल वही जो इंग्रीडियंट्स आपको दिखाई हैं वही डाली है मैंने इसके अंदर, और आपको इसका कलर माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितना अमेजिंग देख लें आप इसका कलर है। अच्छा, मज़ीद जो हमने अभी ठंडा पानी डाला है ना वो डाल के, तो अब इसे मज़ीद हम और पकाएंगे 10 से 15 मिनट। तो ये देखिए जी, मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट पकते हुए हो गए हैं, आपको पानी नज़र आ रहा होगा कितना और ज़्यादा खुश्क हो चुका हुआ है। तो बस अब इसकी बनाती हैं जी पिंक टी। तो सिंपल दूध लिया मैंने, उसके अंदर बस अब इसको डालेंगे, और आप कलर देखें अमेजिंग माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस फार्मूले से पिंक टी बनाने के लिए। तो आप बस क्या कहते हैं ना, आप कहेंगे भाई आप ही ने बड़ी अच्छी हमें चीज़ बता दी है। ये देख लें आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी मज़ेदार बात यह है, इसको मज़ीद हमने पकने के लिए रखना है कुछ 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर, ठीक है ना। तो उससे ग्रीन टी जो होती है ना, ये पिंक टी बहुत ही मज़े की बनती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसको मज़ीद मैंने 10 से 15 मिनट पकाया है, और इसके अंदर मलाई सी भी बन गई हुई है, बहुत ही मज़े की बनी हुई है। बस अब इसको एंजॉय करते हैं, और बस इसको एंजॉय किया उसके बाद हम लोग निकल गए थे जी बाज़ार। तो बस बाज़ार में आज हम बड़ा ही घूमे फिरे हैं, इतना घूमे फिरे हैं ना कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती। ऊपर से आजकल आपकी आपी की तबीयत भी बिल्कुल नहीं ठीक रह रही, जो जो शादी पास आ रही है ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, घुटनों में भी दर्द है, मेरे पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और अगर कोई किसी को पता हो कि कोई टैबलेट बड़ी अच्छी मिलती है घुटनों के दर्द के लिए, कि आप ये खाएं या कोई ताकत की कोई अच्छी सी, तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। वैसे मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया हुआ है, तो उन्होंने बताया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतनी तकलीफ़ रह रही है ना कि बहुत ही ज़्यादा घुटनों में। तो अभी भी बस मैं ना घुटनों पे ट्यूब लगा के ना, तो बस मैं ब्लैंकेट में लेटी हुई हूँ, खाना मैं नीचे जल्दी से बना आई थी, तो मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि बस अब शादी पास आने वाली है, तो व्लॉग भी बहुत ज़्यादा मेरे पास इकट्ठे हुए हैं फ़ोन में। तो बस मैंने कहा मैं जल्दी से अपने ना व्यूवर्स को ना दिखाती जाऊँ कि अपनी ऑडियंस को कि भाई आजकल आपकी आपकी किन जगह पर मसरूफ़ है और क्या क्या कर रही है, तो आपको भी पता होना चाहिए और क्या क्या वैरायटी बाज़ार में आई हुई है। मैंने कहा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। तो बस इस वीडियो में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा कि आजकल क्या क्या वैरायटी आई हुई है गर्म कपड़ों में। यहाँ पे सब गर्म कपड़ों की वैरायटी थी, खैर हमने गर्म कपड़े तो लेने नहीं थे, लेकिन वो बस होता है ना, और तो जब बाज़ार जाती हैं तो उनको होता है बस चेक कर लें हम चीज़ क्या क्या है, सब तरफ घूम फिर के। तो बस हमने लेने नहीं थे गर्म कपड़े, लेकिन बस विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे भाई क्या चीज़ है, अगर कोई बड़ी पसंद भी आ जाती ना, बड़ी कोई डिफरेंट बहुत मज़े की कोई चीज़ होती, तो फिर ले भी लेते। यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी हम इस टाइम पे गए हुए थे बाज़ार, तो ना यहाँ पे अब हम बच्चों के लिए कुर्ते भी देख रहे थे कि अगर तेल मेहंदी के लिए कोई कुर्ते अच्छे से मिल जाए। और ये बलाल और जो है मेरी देवरानी का बेटा सुभान, ये जो जाते हैं ना मस्जिद पढ़ने के लिए हिफ्स करने के लिए, तो इनके लिए शलवार कमीज देख रहे थे गर्म, लेकिन ना इतना गर्म स्टफ़ नहीं है, बस नॉर्मल स्टफ़ था, हमें चाहिए था कि गर्म होना चाहिए, बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो है वैसे उनके काई साहब ने यही कहा है कि इतनी ज़्यादा सर्दी है तो बच्चों शलवार कमीज़ रहने दो, पैंट शर्ट ही पहना है, और वैसे अमूमन वो लोग शलवार और कमीज़ पहन के जाते हैं स्पाड़ा पढ़ने के लिए ना। तो बस आप यहाँ पे देखें, तो अभी मैं फिर थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तो आप लोग अभी देखते जाएं, क्योंकि व्लॉग तो काफ़ी लंबा है, क्योंकि मैंने आपके साथ साड़ी जो भी बाज़ार में वैरायटी आई हुई थी जो वो सब आपके साथ इस व्लॉग में शेयर किया है। और इस व्लॉग में आपको आज पता भी चल जाएगा कुर्ता लाइन के लिए आज मैंने तेल मेहंदी का ड्रेस ले लिया है, तो मैंने कौन सा ड्रेस लिया है वो भी इसी व्लॉग में है, तो आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है बगैर स्किप किए हुए, ठीक है।
यहाँ में हमें ना इसका लहंगा पसंद आ रहा था, लेकिन लहंगा इसने अभी जो मेरे कज़न की शादी गुजरी है उस पर भी इसका नया लहंगा खरीदा हुआ था, इसने वहाँ पे भी वही लहंगा पहना था, तो मुझे था अभी भी दोबारा वही लहंगा नहीं होना चाहिए, लहंगा वही था लेकिन शर्ट ऊपर बहुत ही शॉर्ट थी, ये देखें, तो हमें इतनी शॉर्ट शर्ट हमारे में नहीं पहनाते, बहुत ही ये शॉर्ट थी ये देखें एक साइड से ना, तो मैंने कहा नहीं भाई ये अजीब से ही आप लोगों ने डिज़ाइन बनाया हुआ है, मतलब थोड़ी एक जैसी चलो कर ले, एक तरफ से ऊपर है और एक तरफ से बिल्कुल नीचे है, ये देखिए उसने कहा आप बड़ा साइज़ ले लें, तो लेकिन बड़ा साइज़ लेने से बिल्कुल ना, मैंने कहा नहीं जो मर्ज़ी हो जाए शर्ट बहुत छोटी है, फिर बच्चे का उतना ही गला भी शोल्डर वगैरह भी बड़े हो जाते हैं, ये देखिए लहंगा तो सेम वही है जो इसने पहले पहने हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं कोई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए, नहीं हमने यही नहीं लेना, तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये ड्रेस दिखाया, तो लेकिन ऊपर इसके काम वाली शर्ट थी, नीचे वो डोरी वाला गरारा था, लेकिन ना कोई कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा था फ्रोजी के साथ मेहरून ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं भाई ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ लग रही है, उन्होंने फिर हमें काफ़ी काम वाले ड्रेस दिखाए, बच्ची के लिए हमने बताया कि तेल मेहंदी के लिए चाहिए, तो लेकिन बस ये है कि हमने बड़ा घूमा फिरा, इतना घूमा फिरा ना कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती, लेकिन पसंद नहीं है कुछ भी आ रहा था, दिल चाह रहा था कोई डिफरेंट और बहुत ही प्यारी चीज़ होनी चाहिए कुर्ता लाइन के लिए। खैर अब आगे चलते हैं, तो फिर आपसे साथ शेयर करती हूँ कि आगे जाके हम क्या लेते हैं और क्या देखते हैं। यहाँ पे जी इन्होंने हमें दिखाया था ये ड्रेस तो ये हमें ड्रेस कुर्ता लहंगा का पसंद आ गया था तेल मेहंदी के लिए ना, तो इसके नीचे था गरारा इसका सादा, तो हमें था फिर भी आप कोई देखें कुछ हो जाए मतलब कि एक जैसा हो जाए, उन्होंने कहा नहीं आप ही शर्ट ऊपर देखिए साड़ी हैवी है तो इसलिए गरारा नीचे सादा ही होना चाहिए, क्योंकि बच्ची भी छोटी है, तो फिर हमने भी कहा ठीक है, लेकिन ये है कि हमें ये ड्रेस पसंद आ गया था कुर्ता लहंगा का, तेल मेहंदी के लिए मैंने ये वाला ड्रेस लिया है, ये देखिए ये है जी इसकी माशाल्लाह से फुल शर्ट है, इस पर सारा काम हुआ है और रेड कलर की शर्ट है और पर्पल कलर का साथ इसके गरारा था, तो बस देखने में अच्छा लग गया था, उसके बाद काफ़ी वैरायटी उन्होंने दिखाई कि ना हम देखें बारात के लिए कुछ, लेकिन बारात के लिए कुछ भी नहीं पसंद आया, देखा हमने काफ़ी ज़्यादा था, तो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी आगे आप देखते जाएँ अभी। Thank you.
अच्छा जी, यहाँ पे ना अब हम देवरानी के लिए देख रहे थे, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा बड़े सूट हैं। मेरी बेटी तो माशाल्लाह से अभी 5 साल की है, छठे साल में अभी पढ़ी है, तो ना वो अपनी बेटी के लिए देख रही थी कि मैं अभी अपनी बेटी के लिए देख लूँ कोई ड्रेस पसंद आता है। तो विजिट काफ़ी किया लेकिन उनको भी कोई भी पसंद नहीं आया था। तो बस आज का व्लॉग जी इतना ही था। तो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करना है, और बहुत सारी दुआ में आपने मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।